तो मैं जो आपको डेसिप आई ड्रॉप जिसके अंदर सिप्रोफ्लाविन इसका एक्टिव है, इसके डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल रफी, मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं मायने अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफी हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो डिसिप है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं वो सिप्रोफ्लाविन है। ये 5 ml का आई ड्रॉप है और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो जायंट्स फार्मास्यूटिकल हैं। ये जो डिसिप है आई ड्रॉप, इसके अंदर सिप्रोफ्लाविन है। ये एक एंटीबायोटिक है, ये एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है और ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ हो रहा है। ये ज़्यादातर आँखों के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जो आँखों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, उसको ये ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है। और ज़्यादातर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और कॉर्नियल अल्सर हो उसमें भी ये दी जा रही होती है दवाई। यानी कि बेसिकली अगर बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है और ये एक बहुत ही अच्छे और इफ़ेक्टिव आई ड्रॉप है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो आज डिस्कस करते हैं। इससे जो है आई बर्निंग हो सकती है, यानी कि आँखों के अंदर जो है जलन हो सकती है। इसके अलावा इससे आई के अंदर पेन हो सकता है, यानी कि आँखों के अंदर दर्द हो सकता है। इसके अलावा ब्लरी विजन भी हो सकता है पेशेंट को, यानी उसका धुंधला दिख सकता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। बैड टेस्ट हो सकता है, बैड टेस्ट मतलब यानी कि अगर वो आँखों में आई ड्रॉप डाले तो ज़रूर यूजुअली पेशेंट का जो है वो कंप्लेन कर दें कि जो आई ड्रॉप है वो गले में गिर जाता है, हलक में गिर जाता है, तो उससे करवाहट होती है, बैड टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो आई रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, यानी आँखों के अंदर जो है वो रेड लाल हो सकती हैं आँखें, और इचिंग हो सकती है यानी ख़ारिश हो सकती है। इससे जो है सेंसिटिविटी ऑफ लाइट भी हो सकती है आईज के अंदर, यानी कि जो आईज़ हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं लाइट से और उनसे तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं की जाती। इसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं उनको रात में भी मुश्किल हो सकती है दिखने में, यानी उनको रात में धुंधला दिखाई दे सकता है, उनको ट्रबल हो सकती है देखने में, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ब्लड शॉर्ट आईज़ भी हो सकते हैं, यानी कि इसके अंदर खून थोड़ा सा आईज़ के अंदर वो भी आ सकता है, और आँखों के अंदर सूजिश भी हो सकती है, और आईलिड जो होती है आँखों के ऊपर जिससे कवर होती है उस वो भी इससे उसके अंदर भी जो है वो सूजिश हो सकती है। और इसके अलावा आँखों का जो सरफेस है यानी इर्द गिर्द आँखों के, वो भी इससे कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अगर आप इस आपको इससे एलर्जी है तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें, क्योंकि इससे एक एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और जानलेवा भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे हाइपर सेंसिटिव हैं तो उस सूरत में भी आपको ये नहीं यूज़ करना चाहिए। इससे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और ख़तरनाक होते हैं। और इससे यूजुअली पेशेंट ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनकी आँखों में कुछ आई ड्रॉप डालने के बाद उनकी आँखों में कुछ चीज़ जो है वो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं, तो ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि जैसे उनकी आँख में कोई चीज़ चली गई है, उससे इरिटेशन हो सकती है और थोड़ी इचिंग हो सकती है यानी ख़ारिश हो सकती है आँखों के अंदर। इसके अलावा बात करें तो इससे जो है डिजीनेस हो सकती है, यानी कि पेशेंट को थोड़ा चक्कर भी आ सकते हैं, उसको नौजिया भी हो सकता है, यानी उसको मतली हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, उसे उल्टी भी हो सकती है, उसे डायरिया भी हो सकता है, यानी उसका पेट भी ख़राब हो सकता है, या उसका जो मेदा है वो भी अपसेट हो सकता है इससे। इसके अलावा बात करें तो इससे पेशेंट को कन्फ्यूजन भी हो सकती है, हार्ट बर्न भी हो सकता है, यानी कि उसको जो है वो एसिडिटी तेजाबियत भी हो सकती है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, यानी कि सर में दर्द भी हो सकता है। और बात करें अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें या फिर गलत तरीके से यूज़ करें तो मज़ीद इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिनमें जो है ब्लड शुगर जो है वो लो हो सकती है पेशेंट की, बोन के अंदर हड्डियों के अंदर दर्द हो सकता है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर लें या बहुत काफ़ी अरसे तक यूज़ करें, तो तब ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि सीजर्स होते हैं, पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि उनको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, हार्ट रेट उनका बढ़ सकता है। इसके अलावा टेंडन रप्चर हो सकता है, यानी कि जो फट्टे हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, मसल्स जो होते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, यानी कि पेट में दर्द होना,
और एक्सेसिव मसल टोनिंग होती है, यानी कि जो मसल्स के अंदर आप कह लें कि मूवमेंट होती है कंटिन्यूस, वो बहुत बढ़ जाती है। नर्व प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि हमारे जो दिमाग है उसको भी इफेक्ट करती है। ये ज़्यादातर तब होते हैं साइड इफेक्ट जब आप इसको मिसयूज़ करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो उस सूरत में ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए बोलते हैं। और दूसरा, ये जो मेडिसन है ये सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जा रही होती है, तो हमेशा हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही दवाई को यूज़ किया करें। और दूसरा, ये जो एंटीबायोटिक ड्रॉप है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अगर कोई और दूसरा वायरल या फंगल कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसको ये ट्रीट नहीं करती, उसको ये ख़त्म नहीं करती ये दवाई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, आपके जहन में कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी कर दूंगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल रफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Take care and Pakistan Zindabad.